हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। एंड टुडे वी विल स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। आवर टॉपिक इज व्हाट, दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। हमारा टॉपिक है किस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए आपको ऑर्डर क्या दिया हुआ है। ठीक है, यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट, 3x4 मीन्स आपका जो ए इज इक्वल टू बनेगा ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा। तो इस मैट्रिक्स में 3 रॉ होंगे और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी है। 3 रॉ होंगे और 4 कॉलम होंगे। 3 रॉ मतलब 1, 2, 3 रॉ और 4 कॉलम मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबसे पहले आपका मैट्रिक्स कैसा बनेगा, A11 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम एंड देन फर्स्ट रॉ फोर्थ कॉलम। 4 कॉलम करने हैं ना, तो 4 कॉलम 1, 2, 3, 4। अगेन सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, सेकेंड रॉ फोर्थ कॉलम। उसके बाद थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ फोर्थ कॉलम। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, हमारा मैट्रिक्स बन चुका है 3x4 का, 3x4 का, 3 रॉ 4 कॉलम। 1, 2, 3 यू हैव गिवन 3 रॉस एंड 1, 2, 3, 4 यू हैव गिवन 4 कॉलम्स। इज इट ए इज इक्वल टू ए आई जे, तो दिस इज कंस्ट्रक्टेड। नाउ वी हैव टू नो दैट वॉट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, हमें जानना है कि एलिमेंट्स क्या होंगे इस मैट्रिक्स के। तो चलिए फिर देखते हैं मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे है ना, तो सारे एलिमेंट्स हम निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स हम निकालेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, तो A11 यानी कि आई का वैल्यू फर्स्ट वाला होता है, बाद वाला होता है जे का वैल्यू, यानी कि 1/1। अगेन आई जे यानी 1/2, आई जे 1/3, 1/4 आई जे, तो 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 आई जे, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका भी ऑर्डर 3/4 होगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, चलिए देखते हैं इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करें। तो ये आपका हो जाएगा 1/1 मतलब 1 1/2 को तो आप 1/2 ही लिखोगे, 1/3 को आप 1/3 लिखोगे, 1/4 को आप 1/4 लिखोगे, देन 2/1 को आप 2 लिख सकते हो, 2/2 को आप 1 लिख सकते हो, 2/3 को आप 2/3 ही लिखोगे एंड 2/4 को आप 1/2 लिखोगे। 3/1 मीन्स 3, 3/2 मीन्स 3/2, 3/3 मीन्स 1 और 3/4 मीन्स 3/4। तो ये आपका कंस्ट्रक्टेड है 3x4 मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है कैसा मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे, जिसका एलिमेंट्स किस तरह से गिवन है, बी आई जे इक्वल टू 1/2 आई माइनस 3 जे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा जो मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सो इट इज 2x3, सो जो हमारा बी होगा सबसे पहले आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, बी कैसा होगा, 2x3, 2x3 यानी कि 2 रॉ 3 कॉलम, चलिए 2 रॉ। ठीक है, तो ये किस तरह से बी आई जे है, तो B11 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, कितने कॉलम है, थर्ड कॉलम 3 कॉलम है। ठीक है, देन सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, तो 2 रॉ 3 कॉलम, 1, 2, 2 रॉ 1, 2, 3 कॉलम हो गए। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, अब आपने सारे एलिमेंट्स निकालना है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा बड़ा वाला केस है, तो आप इसको अलग अलग निकाल लो। चाहो तो आप इसमें भी निकाल सकते हो, चलो इसमें निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी निकाल सकते हो, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट इन दिस ऑल्सो, ओके। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड ऑल द एलिमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ बी वन वन, ध्यान देना हाँ, बी वन वन, वन बाय टू, तो ये आपका वन बाय टू, वन वन मतलब आई का भी वैल्यू वन है और जे का भी वैल्यू क्या है वन है, तो वन माइनस थ्री इंटू वन, ध्यान दीजिए वन माइनस थ्री इंटू वन, तो वन माइनस थ्री इंटू वन का मॉड, अगेन वन बाय टू, वन और टू, आई का वैल्यू वन है और जे का वैल्यू टू है, तो वन माइनस थ्री इंटू टू इसका मॉड, अगेन वन बाय टू, वन माइनस आई का वैल्यू वन और जे का वैल्यू थ्री है, तो थ्री इंटू थ्री इसका मॉड, अगेन आपका क्या हो जाएगा वन बाय टू, टू वन, ठीक है टू वन, यानी कि आई की जगह पे टू, माइनस का माइनस, थ्री का थ्री और जे का जगह में वन इसका मॉड, अगेन आपका वन बाय टू, आई माइनस थ्री जे, तो आई का टू टू, टू टू, आई माइनस थ्री जे, टू टू है ना, तो टू माइनस थ्री इंटू टू ये हो गया आपका, अगेन आपका वन बाय टू, टू थ्री, आई का वैल्यू है टू, माइनस का माइनस, थ्री का थ्री और जे का वैल्यू टू, तो इसका मॉड, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टू बाय थ्री, वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री मतलब क्या माइनस टू, और माइनस टू का मॉड क्या हो जाएगा माइनस टू, वन माइनस थ्री यानी कि माइनस टू, माइनस टू मॉड से बाहर निकल के आ जाएगा प्लस टू, तो ये आपका हो जाएगा टू बाय टू, अगेन वन माइनस सिक्स, वन माइनस सिक्स यानी कि माइनस फाइव, माइनस फाइव मॉड से बाहर निकल के हो जाएगा फाइव बाय टू, अगेन वन माइनस नाइन, वन माइनस नाइन यानी माइनस एट, तो माइनस एट मॉड से बाहर निकल के हो जाएगा एट बाय टू, अगेन वन बाय टू, टू माइनस थ्री इंटू वन, तो टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री मतलब माइनस वन, तो मॉड से बाहर निकल के प्लस वन बाय टू, टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स मतलब क्या माइनस फोर, तो माइनस फोर मॉड से बाहर निकल के फोर बाय टू, अगेन थ्री इंटू सिक्स, तो टू माइनस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग किया मैंने, टू टू बाय थ्री है ना, ये टू बाय टू का सही है, टू बाय टू और फिर ये टू बाय थ्री है, तो आई का वैल्यू टू, टू का टू, माइनस का माइनस, थ्री का थ्री और जे के प्लेस पे क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थ्री इंटू थ्री तो नाइन, तो टू माइनस नाइन यानी कि माइनस सेवन, माइनस सेवन मॉड से बाहर निकल जाएगा तो सेवन बाय टू, ठीक है आपका ये हो जाएगा। आप इसको इतने भी आंसर छोड़ सकते हो, सबसे टू कॉमन निकाल सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप बताओ, तो ये आपका टू बाय टू यानी कि वन हो जाएगा। क्या इज इक्वल्स टू, तो बी इज इक्वल्स टू, क्या इज इक्वल्स टू, तो बी इज इक्वल्स टू, टू बाय टू यानी कि वन, और फाइव बाय टू का आप लिखो फाइव बाय टू, और एट बाय टू को आप लिखो फोर है ना, देन वन बाय टू का चलो वन बाय टू, फोर बाय टू का टू और सेवन बाय टू का सेवन बाय टू, आप इतना आंसर लिख सकते हो। सो आपका ये आंसर हो सकता है, ठीक है। सो बी इज इक्वल्स टू दिस आंसर। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, कंस्ट्रक्ट अ फोर बाय वन मैट्रिक्स, आपको कैसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, फोर बाय वन मैट्रिक्स, हुज एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, हुज एलिमेंट्स फोर बाय वन मैट्रिक्स है ना, जिसके एलिमेंट्स होंगे, अच्छा कंस्ट्रक्ट अ फोर इंटू वन मैट्रिक्स, और किस तरह से, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय कोई भी मैट्रिक्स आप ए ले लो, सो ए इज इक्वल्स टू आपका आई प्लस जे बाय टू, ठीक है। उसके एलिमेंट्स इस तरह से होंगे, एंड मैट्रिक्स कैसा होगा, और आपका मैट्रिक्स होगा ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है, आराम से बन जाएगा। फोर इज टू वन का बनाना है आपको, ठीक है, सबसे पहले, और मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या है, ए इक्वल्स टू ए आई जे, और जो उसका रूल जो अप्लाई होगा वो आपका आई प्लस जे बाय टू, ठीक है, आई प्लस जे बाय टू। चलिए तो ये आपका होमवर्क रहा, ये आप बना के दिखाओगे, ठीक है। आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप बना के फोटो क्लिक करके उसके बाद आप कमेंट भेज सकते हो। चलिए उससे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितने तरह का होता है, ठीक है, चलिए उस पर काम करते हैं।
लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का टाइप. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए. सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट रॉ मैट्रिक्स. किसको हम लोग बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स? ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जिसके पास रॉ का संख्या कितना हो, ओनली वन रॉ. ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ. उसके पास रॉ कितना होना चाहिए? सिर्फ एक रॉ होना चाहिए. ठीक है, सच मैट्रिक्स, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इज नॉन एज, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज रॉ मैट्रिक्स. ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, रॉ आपका एक होना चाहिए, कॉलम जितना भी हो. लाइक आप अगर लिखते हो ए इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो यहाँ रॉ कितना है? एक रॉ है. और कॉलम कितना है? 1, 2, 3, 4, 5. यानी कि रॉ तो एक है और कॉलम कितना है? 5 हो. तो ऐसा मैट्रिक्स कॉलम पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ रॉ पे डिपेंड करता है. अगर एक रॉ है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स. ठीक है, अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर में, कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है, विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज कॉलम मैट्रिक्स? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक एक कॉलम है. तो सेम हम लोग लिखेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. एक ऐसा मैट्रिक जिसके पास सिर्फ क्या होगा? एक कॉलम होगा. ठीक है, सच मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स इज नोन एज, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स. एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे. क्या हम लोग देख सकते हैं? इसी को हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 को हम लोग कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, ए इज इक्वल्स टू दिस. आप यहाँ नोटिस करो, 1, 2, 3, 4, 5 कितने कॉलम्स है? 5 कॉलम्स है. गलत, 1, 2, 3, 4, 5 5 रॉज हैं और कॉलम कितने हैं? ओनली वन. कॉलम कितना है? सिर्फ एक. तो ऐसा मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, रॉ कितना भी हो सकता है. चलो एक और रॉ मान लो बढ़ा दिए हम, 7 भी कर दिए, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 6 by 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रॉज और वन कॉलम. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स ही बोलते हैं. सो हमारा थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा? नल और जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, नल मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ जीरो ही होगा, जितना भी एलिमेंट्स होगा सारा एलिमेंट सिर्फ जीरो ही होगा. ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स का. आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि अ मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स, इट्स अ मैट्रिक्स, इट्स ऑल एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? आर जीरो. अ मैट्रिक्स हुज या इट्स ऑल अ मैट्रिक्स, इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. अगर उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं, देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग किससे दिखाते हैं? ओ से दिखाते हैं. इट इज डिनोटेड बाय ओ. या फिर जीरो बोलो या फिर ओ बोलो. ठीक है, और ओ इज इक्वल्स टू क्या होता है? जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके जीरो ही होंगे. तो अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जो सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स. एक भी एलिमेंट जीरो के अलावा कुछ नहीं, सारे एलिमेंट जीरो है. देखिए तो वहां कितने रो कितने कॉलम? 1, 2. इसमें कितने रो हो गए? 2 रो हो गए. और 1, 2, 3, 4 कॉलम कितने हो गए? तो 4 हो गए. तो 2 रो और 4 कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका जितना रॉ उतना कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स.
अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स में इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे, ठीक है, आर कॉल्ड, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अगर तीन रो हैं तो तीन कॉलम होंगे, जैसे कुछ भी आप सपोज ए इज इक्वल टू आप ले रहे हो, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आप कुछ जितने भी आपके रो होंगे, सपोज आप दो रो ले रहे हो, देन डेफिनेटली आपके कॉलम्स भी कितने होंगे, टू होंगे। अगर आप बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स बना रहे हो, अगर आप उसमें तीन रो ले रहे हो तो कॉलम भी कितना होगा, तीन होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कुछ भी एलिमेंट ले लो, वन माइनस वन जीरो टू, तो यहाँ पे दो रो दो कॉलम, आपका वन टू थ्री ए बी सी जीरो जीरो वन, तो एक दो तीन रो और एक दो तीन कॉलम, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है, ऐसे मैट्रिक्स को, सॉरी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जितना रॉ होता है उतना कॉलम होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। और अगर नंबर ऑफ रॉ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की ओर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की ओर, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। और साथ ही साथ डायगोनल मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का आप डेफिनेशन लिख सकते हो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट दी डायगोनल, एक्सेप्ट दी डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके, ठीक है। देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो इसके पहले मैंने आपको जीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। और मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि नंबर ऑफ रॉ बराबर नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया, मतलब नंबर ऑफ रॉ बराबर नंबर ऑफ कॉलम है, और साथ ही साथ उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए सिर्फ डायगोनल्स को छोड़ करके। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ए इज इक्वल्स टू एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, लाइक 1 4 7, तो बाकी सारे एलिमेंट्स देखो मैंने जीरो कर दिए। आप ये देखो, ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके, ये डायगोनल पार्ट को छोड़ करके मैंने सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या ले लिया, जीरो ले लिया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, तो ये मैट्रिक्स आपका कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल्स टू, सिर्फ डायगोनल पार्ट को लिखिए, 1 4 7, इसका मतलब 1 4 7 आपने लिखा है, तो साथ ही साथ आपको स्टार्टिंग में ना एक वर्ड आपको जोड़ देना पड़ेगा। आप क्या जोड़ोगे, तो इसके आगे आप डी आई ए जी जोड़ोगे, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज ए इक्वल टू आप लिखते हो 2 4 0 0, तो ये आपका किस ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है, तो और इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, तो ए इज इक्वल टू डायगोनल 2 4, ठीक है, मतलब सिर्फ 2 4 डायगोनल एलिमेंट्स है और दो एलिमेंट्स है, मतलब कि ये 2x2 का है, एक दो एलिमेंट्स है मतलब 2x2 का है, अगर तीन एलिमेंट्स है मतलब कि 3x3 का है, अगर फोर एलिमेंट्स होते तो 4x4 का होता,
ठीक है। और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पार्ट को छोड़ करके, ये आपका मेन डायगोनल होता है। आप बोलोगे डायगोनल तो मैम ये भी होगा, लेकिन इसको हम लोग को नहीं लेना है, इस पार्ट को नहीं लेना है, इसमें इस पार्ट को नहीं लेना है, ये आपका मेन डायगोनल होता है। मेन डायगोनल कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मेन डायगोनल पार्ट आपका जो हो जाएगा वो सिर्फ एलिमेंट्स रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्लास में तब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट मैट्रिक्स से, ठीक है। हम लोगों का भी क्या पढ़ना है, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ना है, मैट्रिक्स का ट्रेस पढ़ना है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ना है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है और ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। ओके, थैंक यू, आप वीडियो देखिए समझिए।